हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दीपांकर राज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर कॉलम का प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन खींचेंगे। इसके लिए पहले क्वेश्चन देखेंगे। ड्रा द पार्ट ऑफ प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉलम फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। साइज ऑफ कॉलम जो दिया गया है 400 mm × 400 mm दिया गया है। साइज ऑफ फाउंडेशन 2.5 × 2.5 दिया गया है। बेस रेनफोर्समेंट बार जो है 18 नंबर छड़े डाली गई हैं, 12 mm फाई व्यास की बोथ वे डाली गई हैं। टाई बार्स जो है 6 mm फाई, 250 mm सेंटर सेंटर डाला गया है। और बार्स इन लेंथ जो डाला गया है 8 नंबर, 20 mm फाई बार्स डाला गया है। आइए सर, तो हम स्केल में सर सारा डाटा चेंज करते हैं, स्केल 125 लेंगे। साइज ऑफ कॉलम 400 mm दिया गया है, 400 mm 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 mm या 1.6 cm आ जाएगा। साइज ऑफ फाउंडेशन 2.5 m × 2.5 m दिया गया है, इसे स्केल में चेंज किया तो 100 mm या 10 cm आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाटा इसमें दिया नहीं होता, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो उसके लिए हम RCC जो पढ़ते हैं तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें मेंशन करना पड़ता है। जैसे बेंड बार्स दिया है हमारा 12D, आर 300 mm जो ज़्यादा होता है तो निकाल लेते हैं। डाया में 12 mm दिया गया है, 12 × 12 हो जाएगा 144 या 300 mm, जिसमें जो ज़्यादा उसको ले लेंगे तो 300 mm ज़्यादा है, 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.2 cm आ जाएगा। लैपिंग, लैपिंग क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये लैपिंग कहलाती है। लैपिंग कितनी होती है, 24D होती है, 24 × डाया इसका 16 दिया गया है, गुणा कराया तो 384 आया। जिस स्केल में 25 से डिवाइड किया तो 1.5 cm आ गया। ग्राउंड लेवल जो हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये 700 mm या 70 cm होती है, इसे स्केल में चेंज किया तो कितना आया, 2.8 cm आया। प्लिंथ हाइट जो होती है हमारी नीचे से यहाँ तक हाइट कितनी होती है, 1000 mm या 100 cm होती है, इसे स्केल में चेंज किया तो कितना आया, 4 cm आया। कंक्रीट की हाइट 80 mm दिया गया है, ये जो हमारा होता है कंक्रीट ब्लॉक इसकी हाइट कितनी होती है, 80 mm दी होती है, स्केल में चेंज किया 0.3 cm आया। टॉप ऑफ कंक्रीट हाइट जो यहाँ से ये इतनी हाइट होती है 300 mm होता है, ठीक है, तो इसे स्केल में चेंज किया 1.2 cm, 1.2 cm ये यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद विड्थ ऑफ बीम 300 mm दिया गया है, इसे स्केल में ये चेंज किया कितना है, 1.2 cm, 1.2 cm ये हो जाएगा, ठीक है, कितना ये 1.2 cm, ठीक है। इसके बाद कॉलम का कवर 40 mm दिया गया है, कॉलम का कवर 40 mm दिया गया है, स्केल में चेंज किया कितना आया, 0.16 cm या 2 cm, ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ से 2-2 cm छोड़ना है, ठीक है। बीम का कवर जो दिया गया है हमारा 25 mm, 25 को स्केल में चेंज किया कितना आया, 1 mm आएगा, तो यहाँ से 1 mm छोड़ना है, ठीक है। स्टीरअप्स कितने दिए गए, 6 mm, 200 mm सेंटर सेंटर डाली गई हैं, तो स्टीरअप्स ये यहाँ दर्शाई ये जो डाली गई हैं, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करेंगे हम, साइज ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की माप कितनी दी गई, 2.5 m, 2.5 को हमने चेंज किया था, ये कितना आया था, 10 cm, तो यहाँ से हम 10 cm लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखे क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारा RCC ब्लॉक था 80 mm, 80 mm को हमने चेंज किया था तो कितना आया था, 0.3 cm, तो यहाँ से पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ऊपर किया, यहाँ से 0.3 cm ऊपर किया। फिर टॉप ऑफ कंक्रीट हाइट कितना दिया गया है, 300 mm, ठीक है, तो 300 mm को 25 से डिवाइड किया कितना है, 1.2 cm, यहाँ से 1.2 ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ से
1.2 ऊपर ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद हमें दिया गया है क्या, प्लिंथ ग्राउंड लेवल की जो हाइट दी गई है 700 mm दी गई है। 700 mm को हमने स्केल में चेंज किया, कितना आया 2.8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन का जो माप दिया गया है 2.5 का, इसका मिडिल ले लेंगे। मिडिल यहाँ आया, यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, 700 mm को चेंज किया, कितना है 2.8 यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम है, कॉलम कितना 400 mm गुड़े 400 mm, 400 को स्केल में चेंज किया, कितना है 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8, तो यहाँ से 0.8 इधर मार्क कर लेंगे, टिक करेंगे, और 0.8 सेंटीमीटर इधर मार्क कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, और हमें इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे जो कि हमारी ग्राउंड लेवल लाइन कहलाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से 100 सेंटीमीटर या 1000 mm, इसे स्केल में चेंज किया, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊपर हमारी प्लिंथ लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इस लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, और हम 3.2 मीटर हाथ इसके स्केल में चेंज करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आधा कट करके दिखा देते हैं, जिससे हम आसानी से ड्राइंग शीट में क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ से 1.2 किया, यहाँ से 1.2 पॉइंट लगाया दोनों तरफ से, फिर ये लाइन ड्रा किया, और ये आगे भी है इसलिए हमें यहाँ से कट करके दिखा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका कवर जो है 25 mm दिया गया है, तो कवर हम स्केल चेंज के 1 mm, तो 1 mm इधर से खींचा और इधर से भी 1 mm छोड़ के हमने लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाली लाइन, ये नीचे से थी, हमें ऊपर यहाँ तक मिला दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टीरप्स जो हमारे डाले गए हैं 6 mm फाई का, 200 mm सेंटर, 200 को स्केल चेंज किया 0.8 आया, तो यहाँ से 0.8 करके पॉइंट लगा लिया दोनों तरफ से। ठीक है, इसके बाद ये लाइन ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को यहाँ से बेंड कर दिया और इधर से भी बेंड कर दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर ये जो नीचे लाइन दिया गया है ये, इसे बेंड कितना करना है 12D, 300 mm, जो ज़्यादा होगा वही करेंगे, तो 300 mm का ज़्यादा है। इसे स्केल में चेंज किया, कितना आया था 1.2 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर किया और यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर किया। और इसके बाद अब ये मेन बार डालनी है, तो ये इसके डालने यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 3 mm छोड़ देंगे, ये लाइन ड्रा कर लेंगे कवर छोड़ करके। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो कितना है 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर को हम 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे बार्स कितने डाले गए हैं, 18 नंबर्स बार डाले गए हैं। इसे स्केल में चेंज करेंगे, देखो 2200 mm हो जाएगा, इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 mm आ जाएगा, जिसे स्केल में 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.88 mm या 5 mm। ठीक है, तो 5 mm यहाँ से टिक करेंगे और टिक करके लगा देंगे, सारी बार्स को 5-5 mm पे दूरी पे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिन्हें हम बाद में दर्शा देंगे 18 नंबर ऑफ बार्स 12 mm फाई बोथ वेज डाली गई हैं। ठीक है, ये लैपिंग हमारा 24D है। ठीक है, जिसे स्केल में चेंज किया तो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1.5 टिक करके लैपिंग को दर्शा देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी हाइट है 3.2 मीटर यहाँ दर्शा देंगे, और ये जो हमारे 25 mm कवर है दर्शा देंगे, स्टीरअप्स हैं जो दर्शा देंगे, ये RCC बीम है हमारा ये दर्शा देंगे, 40 mm कवर है कवर दर्शा देंगे, और ये बार्स जो हैं 4 नंबर 200 mm 20 mm फाई बार्स का, दो चार इधर डाली गई हैं और चार ही सेम इधर डाली गई हैं। ठीक है, ये 8 नंबर दिया गया था ना, तो चार इस तरफ, चार इस तरफ, एक तरफ हमने दर्शाया तो चार। ठीक है, और ये टाइज बार दी गई थी हमारी
कितनी, 6 mm फाई का, 250 में सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो 250 को जब स्केल ने चेंज किया कितना आया, 10 mm या 1 cm। तो अब यहाँ से हम पॉइंट करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पर टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सभी को ऊपर तक ऐसे मिला देंगे जा करके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए इसका प्लान खींचते हैं। तो अब क्या करेंगे, MD लेके, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से नीचे खींच लेते हैं और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे। कितना है, 2.5 मीटर, या स्केल में चेंज करके कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉलम बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से डॉटेड मिला देंगे, फिर सेम ऐसे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे सेम, ठीक है। इसका जो ये मिडिल पॉइंट मिल जाएगा जा करके, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट से अब हमारा कॉलम देखेंगे, कॉलम हमारा कितना था, 400 mm, 400 mm स्केल में चेंज किया था, कितना आया था, 1.6 सेंटीमीटर। अब इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, इधर से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चला गया, कितना कितना बचा, 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर डिवाइड किया 2 से, कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 6 सेंटीमीटर इधर गए और इधर गए, अर्थात 1.2 सेंटीमीटर जो हमारा कॉलम बचा, ठीक है। रेन फोर्स दर्शाना है इसलिए ये दर्शा दिए, ठीक है। तो यहाँ से 0.6 टिक किया, इधर से भी टिक किया, और सेम यहाँ से 0.6 और यहाँ 0.6। इसके बाद इसको ऐसे करके सभी को मिला दिया, ठीक है। इसके कॉर्नर को आगे बढ़ाए, ठीक है, ये बार्स यहाँ हमने कॉर्नर पे कोने पे दर्शा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो यहाँ ये जो कवर था 2 mm का, ठीक है, तो वो डॉटेड करके लाइन से यहाँ हम दर्शा देंगे, 2 mm डॉट करके चारों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कवर बन जाएगा। तो ये टोटल कॉलम हमारा कितना बन जाएगा, 400 mm का बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी बार्स हैं, टाई बार्स हैं, ये यहाँ से स्पेस जो हमारा है, इसे टाई बार्स हैं, ये कितना है, 16 नंबर हैं, 18 mm फाई बार्स का इधर दर्शा दे देंगे, और लास्ट में बॉटम प्लेन आप RCC स्क्वायर कॉलम नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ ये बॉटम जो है कॉलम का, उसी का प्लान दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ बॉटम प्लेन बोलेंगे आप RCC स्क्वायर कॉलम, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब।